हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ इन्फिडेंट फ्लाई। कैसे हैं आप लोग? वेल, देयर इज अनदर जॉब वैकेंसी इंडिगो में, दबा के वैकेंसीज आ रही हैं। मतलब कि आपको सिर्फ स्किप ही नहीं करना है, एक बार खुद से भी जाके पोर्टल्स भी चेक कर लिया करो, बिकॉज केबिन क्रू की वैकेंसी तो सिर्फ 6-6 घंटे के लिए आती है, फुल हो जाती है एंड दे क्लोज द वैकेंसीज। इतना गंदा हाल है, तो आप समझ सकते हो। तो अभी कोलकाता बेस के लिए काफ़ी सारे लोग थे जो पूछ रहे थे कि अगर कोलकाता में जॉब है तो बताना। कोलकाता में जॉब आई है, वो भी सिक्योरिटी में। अब सिक्योरिटी में आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, और वो भी एज अ फ्रेशर में, आपकी एक मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएट होनी चाहिए हो आप, या फिर आप लास्ट ईयर में हो तब भी आपका 3 चाहिए। उसके अलावा किसी भी विजिबल पार्ट्स पे आपके टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहीं से एविएशन सर्टिफिकेट है, मतलब एफसीएफ का सर्टिफिकेट है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। आप किसी एनसीसी बैकग्राउंड से हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और उसके अलावा बात करने में ठीक ठाक होनी चाहिए पर्सनैलिटी वाइज, बाकी कोई खास रिक्वायरमेंट्स है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, और लास्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि इसमें तैयारी कैसे कैसे करनी है, क्या क्या क्वेश्चंस एक बार जो आपसे पूछे जाते हैं। पर जब आप इसमें जाओगे तो आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में जिसमें भी आप खोल रहे हो उसमें सीधा डालना है आपको इंडिगो करियर, सबसे ऊपर ही आ गया। उसके बाद में जो ये सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद में जैसे ही आप जाएंगे तो नीचे जाने के बाद में आप देखेंगे कि इंडिगो करियर सर्च एंड अप्लाई पे यहाँ पे जाइए, तो इसमें आपको दिख जाएगा ये जो वैकेंसीज है ये कल ही आई है। ये देखिए, ऑफिसर कस्टमर सर्विस, और एक्सपीरियंस वालों के लिए तो बहुत जगह पे वैकेंसीज है। अगर किसी को 1 साल का एक्सपीरियंस भी है तो उनके पास गुवाहाटी में, रांची में, दीमापुर, रायपुर, शिलोंग, गया और दरभंगा, दुर्गापुर, बहुत जगह पे है। 1 से अगर 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। सो कस्टमर सर्विस सिक्योरिटी में कोलकाता के लिए जो वैकेंसी है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको एलिजिबिलिटी में बता देता हूँ कि ये देखिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए मिनिमम, और स्किल्स ये है कि आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, नो विजिबल टैटूज, एज आपकी 18 to 27 होनी चाहिए। इंटरव्यू कैंडिडेट कैन री अप्लाई आफ्टर 6 मंथ, मतलब अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया है और आप रिजेक्ट हो गए हो तो उसके बाद में आप सिर्फ 6 महीने बाद ही अप्लाई कर सकते हो। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि अगर कस्टमर सर्विस में आप जा रहे हो तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, प्लीजेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए। फॉर सिक्योरिटी, एडेप्टेबल टू ऑल वेदर कंडीशंस, प्लेस ऑफ वर्क कैन बी ईदर एट द टर्मिनल और एप्रन, मतलब आपको धूप में भी खड़ा रहना पड़ सकता है, रात में भी खड़ा रहना पड़ सकता है, एयरक्राफ्ट के बाहर भी, एयरपोर्ट के अंदर भी, कैसे भी सिचुएशन में। तो उसके बाद में हम जाते हैं और अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है यहाँ पे। उसके बाद में ये सारा करने के बाद में इसमें आपको अपना CV वगैरह डालना है, फोटोज़ वगैरह डालना है। अप्लाई कर देने के बाद में यह आपका सबमिट हो जाएगा यहाँ पे। ये करने के बाद में ये आपका सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद में आप जैसे ही सबमिट करोगे तो आपको शायद से मेल 2 या 4 दिन या फिर 1 हफ्ता, दो हफ्ते में आ ही आ जाएगा। तो उसको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेल कब आएगा। और उसके अलावा इसको आपकी तैयारी कैसे करनी है, सिंपल आपको कंपनी के बारे में जानना है, इंडिगो के बारे में पढ़ के जाइए। इंडिगो ने जैसे कि अभी लो कॉस्ट करियर में इंडिया में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है एंड विच हैज़ गॉट फर्स्ट अवार्ड, और पूरे वर्ल्ड में लो कॉस्ट करियर में इंडिगो 5th नंबर पर आता है। तो उसके एक्नॉलेजमेंट्स जान के जाइए, उसके अचीवमेंट्स जानिए, इंडिगो के बारे में जानिए, उसका फाउंडर कौन है, उसका CEO कौन है, उसके मैनेजमेंट में कौन कौन है, उनकी हायरार्की क्या है, और अपने काम के बारे में जरूर जान के चाहिए जिसके लिए आप जॉब जा रहे हैं, कि आपका काम क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। बाकी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपना बारे में बताना आपको अच्छे से आना चाहिए, अपने आपको रिप्रेजेंट अच्छे से करना चाहिए, कपड़े अच्छे से पहन के जाना, मतलब कि सूट वगैरह पहन के जाना, टाई, नोट, आयरन कपड़े, ये सब पहन के जाना, लड़के लड़की जो भी है। और जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई है, आप ऊपर आई बटन पर जाके क्लिक कीजिए, यहीं पे 3 वीडियोस लगातार मैं डाल दूंगा, और उसमें जाके कर लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। सो आपको टेंशन लेने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सिंपल होता है, 2 से 3 राउंड होता है, आप इजीली क्रैक कर दोगे, मतलब आपको कोई ज़्यादा हैक्टिक नहीं लगेगा, उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे एक बार बता देना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। बाकी तो आपका भाई हमेशा आपके साथ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, जैसी कोई जॉब आएगी मैं ऑलरेडी आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो, या फिर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, सो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू सो मच सभी को, नमस्कार एंड जय हिंद।